जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2015 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 8 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। चीन ने तिहुई एक श्रृंखला के तीसरे मानचित्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया। पोलैंड के संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव ली एंड जस्टिस पार्टी ने जीत हासिल की। दूरदर्शन सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी चैनल बना। जीएसटी के अंतर्गत अल्कोहल और तंबाकू पर अनिष्ट कर लगाया जाएगा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार से सम्मानित। लुइस हैमिल्टन ने तीसरी बार फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। मुंबई और गोवा के बीच देश की पहली एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन चलाने की योजना। एनडीआरएफ ने आपदाओं से निपटने हेतु 30 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता किया। हाशिम अमला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। अफगानिस्तान में 7.5 रिक्टर तीव्रता का भूकंप। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता। समीरन चक्रवर्ती सिटी बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त। विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति निर्वाचित। ईंधन संकट कम करने के लिए नेपाल और चीन के मध्य समझौता। भारत और श्रीलंका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास SLINEX 2015 शुरू। करंट अफेयर्स विस्तार से। चीन ने तिहुई एक श्रृंखला के तीसरे मानचित्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया। तिहुई एक सी मानचित्र उपग्रह को अंतरिक्ष में Mars 2D कैरियर रॉकेट ने लॉन्च पैड की सहायता से स्थापित किया। तिहुई एक सी तिहुई एक श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। इसे चीन एरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी निगम की सहायक कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया। प्रथम तिनहुई एक मानचित्रक उपग्रह का प्रक्षेपण अगस्त 2010 में किया गया था। पोलैंड के संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने जीत हासिल की। लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने पोलैंड के ग्रामीण इलाकों के समर्थन से बहुमत हासिल किया। कंजर्वेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बिएटा सिडलो हैं। इससे पूर्व पोलैंड की प्रधानमंत्री सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी की नेता एवा कोपिच थी। दूरदर्शन सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी चैनल बना। यह घोषणा दूरदर्शन ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की रेटिंग के आधार पर की है। वर्ष 2015 के 41वें सप्ताह में डीडी नेशनल पर प्रत्येक दर्शक ने औसतन 51 मिनट का समय व्यतीत किया। BARC के डेटा में पहली बार ग्रामीण दर्शकों को भी शामिल किया गया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि जब दर्शक दूरदर्शन पर आते हैं तो वह लंबे समय तक इसी चैनल को देखना पसंद करते हैं। GST के अंतर्गत अल्कोहल और तंबाकू पर अनिष्ट कर लगाया जाएगा। यह कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो समाज और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक हैं। अनिष्ट कर की व्यवस्था वैश्विक स्तर पर प्रचलित है, जिसमें शराब और तंबाकू उत्पादों आदि पर अत्यधिक कर लगाया जाता है। इस कर का उद्देश्य लोगों को ऐसे उत्पादों या सेवाओं के उपयोग को लेकर हतोत्साहित करना है। इन उत्पादों पर अधिक दर से टैक्स लगाना राजस्व बढ़ाने का एक सामान्य तरीका है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार से सम्मानित। रॉबर्ट मुगाबे को कठिनाइयों का सामना करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने तथा 91 वर्ष की आयु में भी सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए यह सम्मान दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा की गई। इस पुरस्कार में 5,00,000 युआन तथा कन्फ्यूशियस की एक सोने की प्रतिमा दी जाती है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन को 2011, कोफी अन्नान एवं युआन लोंगपिंग को 2012 एवं फिदेल कास्त्रो 2014 को यह सम्मान दिया जा चुका है। लुइस हैमिल्टन ने तीसरी बार फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता।
यह 2015 सत्र में हैमिल्टन की 10वीं जीत थी। हैमिल्टन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, चीन, बहरीन, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, जापान और रूस में खिताब जीत चुके हैं। हैमिल्टन फॉर्मूला 1 के इतिहास में किसी भी अन्य ब्रिटिश ड्राइवर की तुलना में सबसे अधिक रेस जीतने वाले ब्रिटिश ड्राइवर बन गए। मुंबई और गोवा के बीच देश की पहली एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन चलाने की योजना। एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन चलाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। पहली डबल डेकर एसी ट्रेन हावड़ा एवं धनबाद के बीच अक्टूबर 2011 में शुरू की गई थी। एसी डबल डेकर ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं होती हैं तथा इसमें करीब 1500 यात्रियों के बैठने की सुविधा होती है। एनडीआरएफ ने आपदाओं से निपटने हेतु 30 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता किया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एवं ONGC, गेल, एयर इंडिया, खनन और शिपिंग तथा भारी उद्योग क्षेत्र के उपक्रमों से समझौता किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात इन उपक्रमों के कर्मचारी आपदा प्रबंधन के समय राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासनों को उचित सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे। इस समय एनडीआरएफ ने भारत में आपदाओं से निपटने हेतु 11 स्थानों पर अपना कार्यबल तैनात किया है। हाशिम अमला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। हाशिम अमला ने यह उपलब्धि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ 5वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हासिल की। अमला ने भारत के विराट कोहली का कीर्तिमान तोड़ते हुए 126वें मैच की 123वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की। वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स ने 141वीं पारी में, भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 147वीं पारी में 6000 रन पूरे किए थे। अफगानिस्तान में 7.5 रिक्टर तीव्रता का भूकंप। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में काबुल से 256 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंदुकुश की पहाड़ियों में जमीन के 200 किलोमीटर अंदर था। अफगानिस्तान में भूकंप से कम 90 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और दक्षिण एशिया के कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता। दीपिका स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की मिसुन चोई से 2-6 से हार गईं। दीपिका का विश्व कप में यह चौथा पदक है। मिसुन बेहद ने 3 सेटों में 29-29 अंक हासिल किए और उन्होंने 5-1 से बड़ी बढ़त हासिल कर ली। समीरन चक्रवर्ती सिटी बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त। नियुक्ति से पूर्व समीरन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रबंधक निदेशक और दक्षिण एशिया के लिए मैक्रो अनुसंधान प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पूर्व में ICICI बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी अपनी सेवा दी है। ये अतिरिक्त दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गणितीय अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के माइक्रो इकोनॉमिक्स संकाय में भी कार्य किया है। विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति निर्वाचित। विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी को नेपाल की संसद में 327 वोट मिले हैं कि प्रतिद्वंदी को सिर्फ 214 वोट ही मिल पाए। नेपाल में विद्या देवी भंडारी को लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों की वकालत के लिए जाना जाता है। संकट कम करने के लिए नेपाल और चीन के मध्य समझौता नेपाल की नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन और चीन की चाइना नेशनल यूनाइटेड ऑयल कॉरपोरेशन के मध्य हुआ। पहली बार है जब चीन व्यावसायिक रूप से नेपाल के लिए पेट्रोलियम आपूर्ति कर रहा है। साथ ही नेपाल के लिए ईंधन आपूर्ति का भारत का लंबे समय का एकाधिकार समाप्त हो गया। समय से प्रदर्शनकारियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के चलते भारत से नेपाल को की जाने वाली तेल आपूर्ति बाधित हो रही थी। तो श्रीलंका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास SLINEX 2015 शुरू।
INEX 2015 के माध्यम से भारत और श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा की क्षमता में वृद्धि होगी। नौसेना के जहाज कोरा, कृपाण और सावित्री जहाज जनित हेलीकॉप्टर अभ्यास में भाग लेंगे। की नौसेना की ओर से इस अभ्यास में सयूरा, समुद्र, सागर, 6 त्वरित आक्रमण विमान, 2 त्वरित गनबोट और 1 त्वरित मिसाइल जहाज भाग लेगा। द्वितीय समुद्री अभ्यास SLINEX वर्ष 2005 में शुरू किया गया था और अब तक इसके 3 सफल अभ्यास किए जा चुके हैं। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।